कोई दो राय नहीं है इस बात में कि नवाजुद्दीन सिद्दीकी बॉलीवुड के टैलेंटेड एक्टर्स में शुमार किए जाते हैं। साल 2019 में आई अपनी फिल्म ठाकरे के लिए नवाजुद्दीन की हर तरफ तारीफ की गई। वहीं जल्द ही नवाजुद्दीन सिद्दीकी सेक्रेट गेम्स के नए सीजन में नजर आने वाले हैं। इसी बीच नवाजुद्दीन सिद्दीकी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है। ये वीडियो कानपुर शहर के एक इवेंट का बताया जा रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक नवाजुद्दीन सिद्दीकी कानपुर में आयोजित एक इवेंट के खत्म होने के बाद जैसे ही बाहर निकले तभी फैंस ने उन्हें चारों ओर से घेर लिया और देखते ही देखते उनके एक फैन ने सेल्फी लेने के चक्कर में नवाजुद्दीन का गला पकड़कर उन्हें अपनी तरफ खींचने की कोशिश की, जिस कारण नवाजुद्दीन सिद्दीकी का हाथ खिंच गया और उनके हाथ में फ्रैक्चर हो गया। ये देखकर सुरक्षा गार्ड भी सतर्क हो गए, लेकिन तब तक काफी ज्यादा देर हो चुकी थी। जब इस घटना के बारे में नवाजुद्दीन सिद्दीकी से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि फैंस के इस तरह हाथ खींचने से मेरे हाथ में फ्रैक्चर हो गया है, मेरे मसल्स में भी खिंचाव है, लेकिन कोई बात नहीं, ऐसा मेरे फैन ने जानबूझकर नहीं किया। ये मेरे फैंस का प्यार है और कई बार ऐसा भी हो जाता है कि उनका ये प्यार जताने का तरीका होता है, लेकिन कई बार दुर्घटना भी हो जाती है। देश और दुनिया की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आप तक पहुंचता रहे हमारा हर लेटेस्ट अपडेट।